हमारे चैनल अवस्थी वाइटेलिटी को सब्सक्राइब करें और हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बगल में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अक्षय पांडे है। मैं अमेठी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं प्रोफेशनल क्रिकेटर हूँ। करीब आज पिछले 12 साल से प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहा हूँ। मैं फास्ट बॉलर हूँ। तो आज से करीब 5 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था लखनऊ के अंदर। मैं एक बाइक चला रहा था और कार के दौरान कार से मेरी टक्कर हो गई। तो उसमें मेरे काफ़ी इंजरी हो गई थी। मतलब सर में चोट आई थी, दोनों शोल्डर में चोट आई थी, दोनों घुटने में चोट आई थी, बैक में इंजरी हो गई थी मेरे काफ़ी। तो नॉर्मल दवाई चली मेरे 7-8 महीने तक दवाई चली, तो नॉर्मल फिर से ठीक हो गया। फिर मैं पंजाब जाकर उसके बाद प्रैक्टिस करने लगा। तो पंजाब में प्रैक्टिस कर रहा था। 2017 में मुझे फिर से हल्का हल्का पेन शुरू हुआ। उस टाइम में मैंने उसको इग्नोर किया। मैं नॉर्मल में खेलते वगैरह इंजरी वगैरह हो जाती है उस समय पे, तो मैंने पेन किलर वगैरह लिए तो नॉर्मल मुझे रिलीफ मिल गया। 2017 के एंड तक फिर मुझे धीरे धीरे पेन उठना शुरू हुआ। वहाँ से 2018 के फरवरी मार्च तक मुझे पेन बढ़ने लगा। वो पेन इतना बढ़ गया कि मैं क्रिकेट खेलने के बाद छोड़िए, मैं अपने घर के अंदर न चल सकता था, न फिर सकता था। मुझे सीढ़ी चढ़ने में प्रॉब्लम होने लगी, सीढ़ी उतरने में प्रॉब्लम होने लगी। तो मैं बिस्तर पर बैठे रहने लगा। तो मैं कई जगह फिर डॉक्टरों के पास गया। तो डॉक्टर ने मुझसे MRI करवाया। तो उन्होंने मुझको लीगामेंट इंजरी बताई। उन्होंने ये बोला कि इसकी दवाई तो नहीं कोई, लेकिन हाँ सर्जरी के द्वारा ठीक किया जा सकता है। आप सर्जरी कराएंगे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन उन्होंने ये किसी ने बोला कि आप दोबारा क्रिकेट खेल सकते कि नहीं खेल सकते हैं। मन में ये भी डर बना हुआ था, अगर इंजरी सर्जरी के बाद मैं खेल पाया ना खेल पाया फिर करियर मेरा ख़राब हो जाएगा। लेकिन ऐसे बैठे हुआ तो काफ़ी डॉक्टरों को मैंने दिखाया। जलंधर में दिखाया, लुधियाना में दिखाया, अमृतसर दिखाया, मैंने लखनऊ में दिखाया, कानपुर में दिखाया। तो हर जगह मुझे को सर्जरी कर बोला गया। मैं एक दिन घर पे बैठा हुआ था तो मैंने डॉक्टर बस्ती की वीडियो दिखाई यूट्यूब पे। तो उस पर मुझे मतलब हाँ लगा, लोगों ने लोग अपना फीडबैक दे रहे थे, रिव्यू दे रहे थे। तो मैंने फिर डॉक्टर के पास फ़ोन किया। डॉक्टर ने मुझसे मेरी डॉक्टर ने मुझे MRI रिपोर्ट मांगी मेरी। तो मैंने अपनी MRI करा के डॉक्टर सबको भेजी। तो डॉक्टर ने मुझे लिगामेंट इंजरी बताया। तो उन्होंने मुझे मतलब उन्होंने ये कुछ नहीं बोला कि सर्जरी करानी क्या करना। उन्होंने नॉर्मल लिक्विड दवाई भेजी, लिक्विड बोतल भेजते हैं उन्होंने भेजी। 3 महीने कोर्स, टोटल 1 साल कोर्स होता है, 3 महीने का दवाई भेजते हैं वो। तो मैंने दवाई खाना शुरू किया। तो शुरू के 1 महीने में मुझको कोई मतलब रिलीफ नहीं मिला। 1 महीने जैसे था वैसे सब कुछ चल रहा था, मुझे लगा अभी रिलीफ। लेकिन आज जब करीब 2-2.5 महीने के बाद मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिला, 4-5% मुझे लगा कि हाँ अब ठीक हो रहा हल्का फुल्का। फिर करीब 3-4 महीने के बाद नॉर्मल करीब 3-4 महीने बीतने के बाद 15-20% रिलीफ मिलने लगा। 6 महीने होने के बाद मुझे करीब 40-45% रिलीफ मिल चुका था। काफ़ी अच्छा मतलब दवाई मुझे रिकवर कर रही थी। मैं नॉर्मल घर में चलने लगा, कहते वॉकिंग वगैरह करने लगा था। फिर डॉक्टर ने मुझे दवाई भी दी, उसके बाद उन्होंने मुझे कहते हैं एक्सरसाइजेज बताई कि आप एक्सरसाइज किसी घर में बैठ के। तो नॉर्मल एक्सरसाइज हर आदमी उसे कर सकता है, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो बूढ़ा हो, कोई भी उसे कर सकता है। बहुत ही नॉर्मल एक्सरसाइज, छोटी एक्सरसाइज होती है। तो मैं एक्सरसाइज करने लगा। तो एक्सरसाइज करता, दवाई खाता था, मुझे रिकवरी होने लगी। उसके बाद मैं धीरे हल्की फुल्की फिजियोथेरेपी कराने लगा। फिर दवाई खाता रहा, एक्सरसाइज करते करीब 8-9 महीने होते, आज मुझे करीब 1 साल हो गए हैं दवाई खाते। 99% मुझे रिलीफ मिल चुका है, कोई दर्द नहीं बचा है। हाँ करीब 1-1.5 महीने में 1-2 बार दर्द हो जाता है, बाकी 99% रिलीफ है। मैं समय दौड़ भी सकता हूँ, नॉर्मल जैसे रनिंग करता, जिम भी करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं डॉक्टर साहब का काफ़ी शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे ठीक किया। थैंक यू डॉक्टर साहब।